मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस की तरफ से बांटी गई किताब में वीर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणियों से सियासत गरमाई हुई है। इस बारे में सवाल किए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आए और किताब के बारे में जानकारी न होने की उन्होंने बात कही है। हालांकि एनआरसी और सीए के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने। मध्य प्रदेश में सीए और एनआरसी को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसको लागू नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी भी हैं हमारे साथ। सर, क्या कहेंगे एनआरसी और मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है उस पर, कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, केंद्र सरकार के। हमारे भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म के आधार पर कोई भी कानून बनाया जाना न्याय संगत नहीं है। सीए का जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये दरअसल संवैधानिक दृष्टि से उस प्रीएम्बल का उल्लंघन है। रही बात के फेडरल सिस्टम हमारे देश में है, अच्छा ये होता कि जो विभिन्न प्रदेशों की निर्वाचित सरकारें हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद इस प्रकार का निर्णय केंद्र सरकार करती है, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। और अब केंद्रीय विधि मंत्री कह रहे हैं कि अब हम परामर्श करेंगे राज्य सरकारों से, जबकि ये एक्ट बन गया है। और यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट में प्रदेश के, हमारा ही प्रदेश क्यों ना ले, अलग अलग भागों में इसके विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। सर, एक सेवा दल के जो सम्मेलन में आरएसएस को लेकर जो बातें कही गई, बड़ा हल्ला मचा हुआ है, क्या कहना है कि सच्चाई बताई जा रही है, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उस पर आंदोलन हो रहे हैं। इस संबंध में मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। अगर इतिहास बताया जा रहा है कि वीर सावरकर ने ये किया, देश में ये किया, तो क्या आपके मुताबिक सही है कि नहीं? बीजेपी कह रही है कि गलत कर रहे हैं और इसको लेकर वो FIR दर्ज कराएंगे। उन्हें एक्शन लेने दीजिए, हमारा रिएक्शन आ जाएगा। देखते हैं कि सुरेश पचौरी जी, और ऐसा कि कहना है कि एनआरसी को लेकर उन्होंने अपनी बात कही है, और सेवा दल के जो कार्यक्रम में जो पर्चे बांटे गए थे, जो किताब बुकलेट बांटी गई है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि उनके मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं जिस हिसाब से कर रहे हैं उसको लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कैमरा मैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।